हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी इंस्टाग्राम पे आईडी लॉगिन कर रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ऐड देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, एरर, सॉरी, वी कुडंट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन इन ए मोमेंट, और यहाँ पर डिसमिस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो वैसे यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाती है, पर आप अब पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपकी जो आईडी है लॉगिन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर आपको थ्री डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर देना है। आपको रिमूव पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना आपको क्या करना है, आपको अगर आपको अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है याद है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है। यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना आईडी। पर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ना सिंपल है, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना, आपकी जो आईडी है लॉगिन हो जाएगी। ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गेट हेल्प लॉगिन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल देना है। मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, अगर आपका नहीं आता है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको रीसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, रीसेट पे नहीं, नेक्स्ट पे। आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ईमेल और एसएमएस। तो यहाँ पे ना मैं अभी एसएमएस से कर देता हूँ। अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास एसएमएस है तो आप एसएमएस से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं एसएमएस पे भेज देता हूँ ओटीपी। यहाँ पे ना मेरा ओटीपी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। इसके बाद हमारी जो आईडी है लॉगिन हो जाएगी। तो आपके केस में जो पास डायरेक्टली आईडी लॉगिन हो सकती है कंफर्मेशन कोड से, वरना आपकी जो आईडी है आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगी, पासवर्ड रीसेट लिंक, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद पासवर्ड आपको सेट कर देना है, उसके बाद आप आसानी से आईडी को लॉगिन कर पाएंगे। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हुआ है मैंने आपको दिखाया है आपके आँखों के सामने, तो लाइव प्रूफ करके दिखाया कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।